जम्मू की ताजा तीन खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद खलील। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिल कामोगी में आटा नायाब हो गया, शहरी बिलबिला उठे, लाइनों में लगने पर मजबूर, ब्लैक में आटा फ्रोज होने लगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामोगी का अमला खामोश तमाशाई, शहरियों का एहतजाज, वजीर अला पंजाब से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कामोगी और उसके गुजदन हुआ बांधार आटे का 10 किलो थैला 500 रुपए से ज्यादा और 20 किलो का थैला 1000 रुपए से ज्यादा फ्रोक करने लगे हैं, लेकिन कामों के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान की तरफ से पंजाब भर में सहूलत बाजार लगाए गए थे, जिसमें आटा और चीनी आवाम को सस्ते दामों में फरोख्त होनी थी, लेकिन सहूलत बाजारों को खत्म करने के फौरन बाद ही आटा और चीनी आवाम की पहुँच से बाहर हो गई है। इस हवाले से मिल्स महाकान ने बताया कि हुकूमत मिल्स महाकान को गंदम नहीं फरोख्त कर रही, जिसकी वजह से आटा खत्म हो चुका है। कामोगी नामनुम चोर आरती की कार घर के पास से चुरा कर फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज तनवीर शहजाद आरती गल्ला मंडी में कायम अपनी रहायशगाह के बाहर कार खड़ी करके अंदर चला गया तो नामनुम चोर उसकी गैर मौजूदगी में गाड़ी चोरी करके ले गए। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसमें 3 अफराद पर गुलाब चलाकर दोशीजा को अगवा करके ले गए। गुज़िश्ता रोज मुस्लिमगंज के सरफराज अहमद की 20 साल बेटी बीबी को मल्ला का अली रजा, उसका भाई सगीर और वालदा बुशरा बीबी बरगलाब इलाका 4 तोले तलाई जेवरात और 1,27,000 रुपये नकदी समेत अगवा करके ले गए हैं। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कामोगी सिटी पुलिस ने दुराने गश्त बदनामे जमाना मंशा फरोज टिब्बा मोहम्मद नगर के अल्लाह रखा से 1420 ग्राम चस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करके भारी मकदार में नजायज असला बरामद कर लिया है। गुज़िश्ता रोज नवाही गांव मंडियाला पंचायत में 2 ग्रुपों में सादम का कशा था। कसदा पुलिस ने इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद खालक, अब्दुल जबाद, जरीन खां, रजवान और जुवेद को गिरफ्तार करके जदीद किस्म के 4 पंप एक्शन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। कामों की तेज रफ्तारी के बायस रक्षा खेतों में गिरने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। गुज़िश्ता रोज तेज रफ्तारी के बायस रक्षा बेकाबू होकर खेतों में जा गिरा, जिसके नतीजे में 21 साल ड्राइवर अमरान शदीद जख्मी हो गया। दीगर ट्रैफिक हादसा में 25 साल असद, गुजरावाला 36 साल मोहम्मद जाहर, गनिया का 23 साल लुकमान, मुस्लिमगंज का 17 साल अली हैदर, सदराबाद का 24 साल फैसल, टिब्बा मोहम्मद नगर का 18 साल मोहम्मद जमान और चौक गोसिया का 36 साल शहजाद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कामोगी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर चौधरी इरफान राजपूत चांद उपल ने अपने बयान में कहा है कि कंटेनर पर खड़े होकर कौम को बिजली और सुई गैस के बिल अदा न करने और बिल जलाया करते थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बैंक के जरिए पैसे न भेजने पर मशवरा दिया करते थे, बल्कि उनको होंडी के जरिए पैसे भेजने का मशवरा दिया करते थे। रियासत मदीना के दावेदार इमरान नियाजी आए रोज कौम को गुमराह किया करते थे, सिविल नाफरमानी पर अकसाया करते थे और कहा करते थे कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट होता है तो मुल्क में महंगाई बढ़ती है। अब खुद वज़ीर आज़म बने हैं तो हर 15 दिन के बाद बिजली गैस और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इंतकाम की हदें तमाम अबूर कर ली हैं। वक्त आने पर इमरान नियाजी और उसके तमाम हमारियों से एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे।